भारत सरकार के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान जीटी रोड पानीपत में जहां पहले से ही कई सीटीएस सीआईटीएस कोर्स चल रहे हैं, वहां पर एक नया कोर्स आईटी नेटवर्किंग क्लाउड कंप्यूटिंग शुरू किया जा रहा है। उसके शुभारंभ के अवसर पर शशि माथुर प्राचार्य की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें टीएनटी आईबीएम के अधिकारी एस प्रसन्ना, मुख्यालय से निदेशक सीएफआई सैंथिल कुमार, निदेशक विभागाध्यक्ष अनिल ग्रोवर व पानीपत के अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए। कार्यक्रम का आरंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर कई रंगारंग कार्यक्रम व फैशन शो का आयोजन भी किया गया।
प्रोग्राम जो है आईटी नेटवर्किंग और क्लाउड कंप्यूटिंग में आईबीएम के कोलैबोरेशन के साथ ये कोर्स यहाँ पे एनएसटीआई वुमेन पानीपत में चलाया जा रहा है। तो इसमें किस किस तरह के इसमें जो है आईटीआई के पास आउट जो कंप्यूटर के जो कोर्स होते हैं उसके पास आउट ट्रेनिंग जो है वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। सर आपका किस विषय पे यहाँ आना रहा, क्या लॉन्च ये आज ये इस हफ्ता जो है हमने इस कोर्स को शुरुआत करी है और उसकी आज इनॉग्रेशन फॉर्मल इनॉग्रेशन हमने आज आईबीएम के साथ मिलके जो है इसका हमने आज इनॉग्रेशन करा है। तो जिस तरह छात्राओं के लिए यहाँ काफ़ी मात्रा में यहाँ कोर्स कराए जाते हैं, कौन कौन से कोई मुख्य जो स्टार्ट किए गए इसमें हमारे प्रिंसिपल मैडम जो हैं वो आपको डिटेल इस इंस्टीट्यूट में और कौन कौन से कोर्स चलाए जाते हैं वो बताए जाएंगे इसमें। बाकी ये कोर्स जो है एक आईटी इंडस्ट्री के लिए कोर्स है और इसको करने के बाद जो है जो ट्रेनिंग हमने एडमिट करे हैं ये किसी भी इंडस्ट्री में जाके अच्छा एक एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इनका बन जाएगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिल ग्रोवर है, मैं रीजनल डायरेक्टर हूँ RDAT फरीदाबाद। आज हमारे यहाँ एक नए IBM कोर्स का लॉन्च हुआ है, ऑफिशियली प्रोग्राम उसके लिए किया जा रहा है। ये NSTI नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पानीपत में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। हरियाणा में पहला कोर्स है जो इस संस्थान में चलाया जा रहा है। इसके अलावा हमारे संस्थान में विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाते हैं, CTS और CITS। CTS में कॉस्मेटोलॉजी, कंप्यूटर, PFE, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, IDD, फैशन डिज़ाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी। इनकी क्वालिफिकेशन 10th पास है। 10th पास करने के बाद बच्चे हमारे यहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग में एडमिशन ले सकते हैं और इन्हीं कोर्सेज के चार हमारे पास एडवांस्ड कोर्स भी हैं। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग के अंतर्गत CITS कोर्सेज, उसमें कॉस्मेटोलॉजी, सीविंग टेक्नोलॉजी, सरफेस ऑर्नामेंटेशन टेक्निक और ड्रेस मेकिंग, चार कोर्स वो भी चलते हैं। तो हमारे यहाँ ये जो बच्चे वोकेशनल ट्रेनिंग लेते हैं ये इंस्ट्रक्टर्स बन सकते हैं, अपना बुटीक खोल सकते हैं, अपना पार्लर खोल सकते हैं, मतलब इनको स्किल ट्रेनिंग दी जाती है जिसके तहत ये अपना स्वरोजगार उन्मुख बन सकते हैं। इसके अलावा आज जो कोर्स की नए कोर्स की शुरुआत की गई है वो IBM के और MSDE के कोलाब्रेशन से शुरू किया है। ये IT नेटवर्किंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग पे कोर्स प्रारंभ किया गया है। इसमें अभी 17 बच्चियों ने प्रवेश लिया है। उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन है कि उन्होंने कोपा का कोर्स, कंप्यूटर वाला कोर्स किया हुआ होना चाहिए। ये कोर्स करने के बाद बच्चे इतने कैपेबल हो जाएंगे कि उनको कहीं किसी भी बड़ी कंपनीज़ में, MNCs में, इंडस्ट्रीज़ में जॉब की अपॉर्चुनिटी रहेंगी। ये एक मंत्रालय का और हमारे DG सर राजेश अग्रवाल सर का निर्णय रहा कि इस संस्थान में ऐसा कोर्स चलाया जाए जिससे बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े और यहीं पे लेके ट्रेनिंग लेके ये बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो सकें। ठीक, क्या नाम है मैम? शशि माथुर। आप ऐसे क्या हैं? प्रिंसिपल।